हेलो गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल तकीजा केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजोनेंस। ये वीडियो मेनली कवर करेगा व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाट आर द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी एंड दोस इन एग्जांपल। तो एक साइंटिस्ट, उनका नाम था हेइजेनबर्ग, इन्होंने बताया कि अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल। मतलब ए लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल। सो इसके लिए क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज एक लुईस स्ट्रक्चर नहीं बता सकता था, इसीलिए क्या हुआ, ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर ड्रॉन टू शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल और द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हैविंग व्हाट, हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग सेम बॉन्डिंग एंड एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ए लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, एक लुईस स्ट्रक्चर नहीं बता सकता था, तो इसीलिए क्या करना पड़ा, ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग सेम बॉन्डिंग एंड एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन टू शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल एंड ऑल द ड्रॉन पिक्चर्स और ऑल द ड्रॉन डायग्राम्स आर कॉल्ड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एंड द टोटल फिनोमेनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। A number of structures having same energy and having same what? Bonding and antibonding electrons. Antibonding electrons. A number of structures having same energy, having same antibonding structure, antibonding electrons are drawn to show the properties of the same molecule. मतलब एक ही मॉलिक्यूल उसका अलग अलग स्ट्रक्चर बना के उसका प्रॉपर्टीज को देखने का तरीका को रेजोनेंस कहते हैं एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड रेजोनेंस एंड द स्ट्रक्चर्स। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया वो स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग structures, or these are called also called as canonical structures. These are called canonical structures or resonating structures. And the phenomenon is called resonance. अब चलते हैं rules. What are the rules for calculating resonating structures? So, एक example लेते हैं O3 का. ओजोन O3, तो O3 में क्या होता है, एक्चुअली दो इलेक्ट्रॉन यहां पे डबल बॉन्ड कर देंगे, यहां पे सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ये हो गया, ये ऑक्सीजन हमारा 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये ऑक्सीजन हमारा 6 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है तो यहां पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मींस जब बॉन्ड लेंथ की बारी आई तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब 121 pm और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है 148 pm। इसको अगर हम ए स्ट्रक्चर पे दिखाएंगे और एक बी स्ट्रक्चर करेंगे ऑक्सीजन
यहाँ पे इस ये वाला को यहाँ पर रख देंगे, अगर चेंज करके यहाँ पे 1:48 PM और यहाँ पे तो 1:21 PM इलेक्ट्रॉन्स 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको मुश्किल ऑफ सर है इलेक्ट्रॉन गए मॉर्निंग के लिए, तो 1:48 ये स्ट्रक्चर ए है और ये स्ट्रक्चर बी है, तो ये दोनों ए बी को हम बोल सकते हैं दीज आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रिजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। लेकिन उनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इनका रिजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ऑक्सीजन 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 बॉन्डिंग को ऐसे करके दिखाएगा। और ये टोटल हमारा ये था 148 लेकिन ये हमारा आएगा 128 और ये दोनों साइड में सेम रहेगा 128 128। इसको हम बोलेंगे द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर या तो हम बोल सकते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या भी बोल सकते हैं रिजोनेटिंग हाइब्रिड, कुछ भी बोल सकते हैं रिजोनेटिंग हाइब्रिड, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग। तो हम चलते हैं रूल्स के ऊपर। रूल्स पहला रूल आएगा इन ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और इन ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, इन ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स the position of electrons only may vary, मतलब क्या, only electron का position change होगा, तो atom के अंदर जो molecules है molecule के अंदर जो जो elements है उनका position कुछ vary नहीं होगा, change नहीं होगा, बस electron का ही position change होगा। ये रूल वो नंबर वन है। और रूल नंबर दो है क्या, द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन सेम, इन ऑल द स्ट्रक्चर्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने उनके अंदर सेम रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी के बॉन्ड नहीं बनाएगा किसी के स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब मान लेते हैं ये ए ये बी ये सी ये डी ये एफ, ये पांच हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो इसमें तीन इसमें दो इसमें एक नहीं होगा, इसमें बॉन्ड नहीं बनेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। यहाँ पे अगर चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर में भी चार अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये सी पे भी चार अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, डी पे भी चार अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा और ई पे भी चार अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब बॉन्ड नहीं बनाएगा कोई, जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है बस उतना ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये रूल नंबर दो है। एनर्जी ऑफ ऑल द कैनोनिकल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में नियरली सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम बट नियरली सेम,
ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं रहेगा 2-3 कैलोरी का स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये रूल 3 हो गया। ये रूल को आप क्या करके एग्जांपल लेते हैं NO3 माइनस का, ये दोनों को डिटरमिनेशन हो जाएगा N एक ऊपर O एक नीचे O एक यहां पे O, तो एक डबल हो जाते हैं और एक माइनस चार्ज देते हैं। और सूत्र यहां पे 1 2 3 4 5 6, यहां पे 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4 5 6। तो इस स्ट्रक्चर को हम तीन तरह से बना सकते हैं, ये एक हो गया और एक ऐसे हो जाएगा, यहां पे डबल बना जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और एक ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे डबल 1 2 3 4 माइनस। ये तीन तरह के हम दिखा सकते हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं दीज आर द यूनिटिंग स्ट्रक्चर और द केमिकल स्ट्रक्चर्स। अभी तो की पॉइंट्स देखते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो रिजोनेंस हाइब्रिड बना, रिजोनेंस हाइब्रिड का दो की पॉइंट्स देखते हैं, यहां पे अभी डिस्कस करते हैं क्या है। तो एक अगर हमारा पोलर मॉलिक्यूल के अंदर नॉन पोलर will be more preferable and will be more stable, is more stable as compared to the polar one. The non-polar molecule, अगर non-polar रहेगा वो ज्यादा stable होगा polar से। और एक और है हमारा केमिकल स्ट्रक्चर, तो केमिकल स्ट्रक्चर बना दो तीन चार जितना केमिकल स्ट्रक्चर बना उनके अंदर जिसके पास ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। Each is more stable. तो ये तो थी हमारा वीडियो रिजोनेंस के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।